Hey, what's going on, guys? कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में. वेलकम बैक. एंड आज हम लोग खेलने वाले हैं रोब्लॉक्स में अल्ट्रा पावर टाइकून. एंड आप लोग देख सकते हो यार, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर. इनफैक्ट इतने कि मेरे स्क्रीन पे सिर्फ एरोज दिखाई दे रहे. कौन सा टाइकून लिया जाए गाइज? तो बोलता हूँ यार, मेरे को येलो वाला चाहिए भाई. ऑलराइट, तू जा येलो वाला ले ले भाई. आप लोग जाते हैं पर्पल वाला ट्राई करने. एंड इसमें काफी कूल सी मैजिक पावर्स अनलॉक करने वाले गाइज, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा. एंड टच द बटन टू अनलॉक थिंग्स, ये हम लोगों को बेसिकली एक टूर दे रहा है कि ये पूरा जो जगह है ये काम कैसे करता है. टच द ग्रीन बटन टू कलेक्ट कैश, बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार. मतलब वही है, आपको यार ड्रॉपर्स लगाने एंड आपको डिफेंसेस बिल्ड करने, वेपन्स अनलॉक करने, पैसा कमाना है एंड बेसिकली अपना पूरा टाइकून सेटअप करना है. तो चलो फटाफट यार सब कुछ यहाँ पे लगाते हैं. पहले तो हम लोगों ने जेन 1 जो है कैश काउंटर यहाँ पे लगा दिया है. अब टाइम है जेन 2 लगाने का. लेकिन जेन 2 के लिए गाइस 375 कैश चाहिए, जो कि अभी करेंटली हमारे पास नहीं है. बट इफ आई वेट जस्ट लिटिल बिट, और ये थोड़ा सा और अबे हो गया यार, बस थोड़ा सा, हाँ हो गया, लेट्स गो. ओके, तो गाइस जेन 2 कैश काउंटर भी सेटअप कर दिया है. एंड अब ये देखो, तीनों जो पाइप है ना भाई, उसमें से पैसा फ्लो हो रहा है हमारे मेन इंजन के अंदर, और यहाँ से पैसा अपन लोग कलेक्ट कर सकते हैं. और ये गाइस हमारा वेपन पैड, यहीं पे जो है असली एक्शन शुरू होगा. बट बिफोर यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि फ्रॉस्टी भाई ऐसी कौन सी सुपर पावर्स होगी जो आप इस वीडियो में हमें दिखाएंगे, जो हम लोगों ने पहले नहीं देखी होंगी, आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ आपका इंतजार कर रहा है. तो भाई मैं भी बहुत पावरफुल बनूंगा भाई, तो फिर सुन लो आप भी यार, मैं डरता नहीं हूँ आपसे. अरे तुम्हें डरा भी नहीं रहे दोस्त, तुम पैसा छापो बैठ के उधर. यार ये बेचारा इंटिमिडेट हो गया उधर बैठे बैठे. ऑलराइट, कैसा चल रहा है चॉप? ओ, इसने तो अपना पहला वेपन अनलॉक कर लिया भाई. तो भाई ये देखो भाई, मेरे पास फॉक्स क्लॉज आ चुके हैं भाई. आ रहा हूं दोस्त, मैं भी देखूं जरा कैसे है ये फॉक्स क्लॉज, लेट्स गो. ओके, तो ये मिल गए फॉक्स क्लॉज. ओ भाई रुक, तेरे ऊपर टेस्ट करता हूं. तो भाई मेरा वेपन लेकर मेरे को मार तो अच्छा बात नहीं है भाई, मैंने वेपन लिया नहीं है फॉक्स भाई. इसीलिए बोला था वेपन ले ले तेरी ऐसी की तैसी. ओ भाई काफी कूल है यार ये फॉक्स के क्लॉज इस्तेमाल करके अपन लोग इसकी बैड, लुक एट द डैमेज मैन, भाई 2 हिट में बंदा खत्म. ये मैजिकल क्लॉज है बाय द वे गाइस, जो कि एकदम जो भी बंदा इसको यूज करता है, जो यूजर है उसको सुपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग इसको अभी टाइम बीइंग के लिए अपने पास रखते हैं. एंड अपन लोग जब चौप आएगा तो उसको सेल्फ डिफेंस में यूज करेंगे, है ना भाई? तो भाई यार मेरा वेपन ले लिया, अब मैं कैसे लड़ूंगा भाई आपसे? अरे तो तू तो कर ही सकता है ना, ये देख अपन लोग अपना लॉक कर ले रहे हैं. ओ लाइटनिंग स्वॉर्ड, लेट्स गो गाइस, इसमें तो भाई लाइटनिंग की पावर डाल दी इन लोगों ने. ओ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, इसको तो स्कोप के ऊपर यूज, स्कोप आई मीन चॉप के ऊपर यूज करेगा. ओए दुष्ट प्राणी जल्दी बाहर आ, बाहर आ तू. तो भाई दुष्ट प्राणी किसको बोल रहा हूं, रुको अभी आपको बताता हूं. आजा भाई आजा आजा आजा. तो भाई आपके पास तो बहुत हैवी वेपन दिखाई दे रहा है, इससे तो मार के आप धज्जा उड़ा दोगे भाई मेरे. ये पुच्ची से स्लॉक्स क्या करेंगे भाई मेरे? आजा अंदर आजा फॉक्स भाई. अच्छा अपने घर में घुसा रहा है, ये ले तेरी तो. गाइस देखा, ये भाई मेरे को ट्रैप में फंसाना चाहता था. अपन लोग का इंतजार कर रहा था कि पहला अटैक ये करेगा, लेकिन चाहे कुछ भी कर लो दोस्त, हमें रोक नहीं पाओगे. तो भाई मार के भागता और दुश्मन मेरे को बोलता हूँ भाई. अरे तो मार के थोड़ी भागो भाई, घर में घुस के मारा है यार, तुम्हें देख लो गाइस कैसे ब्लेम लगा रहा है मेरे ऊपर. ऑलराइट तो गाइस, आज मेरा ना दिल बहुत खुश हो गया चॉप को इतना मार करके. आज अपन लोग इस वीडियो में बहुत रोबक्स उड़ाएंगे, ठीक है? अभी नहीं भाई, जब समय आएगा तब उड़ाएंगे, अभी मजा लेने दो थोड़ा. तो काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा समय दो, यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ और यहाँ पे ड्रॉपर सेटअप करें. अरे चॉप के बच्चे यहाँ क्यों आ रहा है? तो भाई लड़ने का बन एक बार फिर से. ओ अच्छा ऐसा बात है क्या, आ जाओ. अरे इसको सुपर पावर मिल गई. अबे वो बंदा कौन है? एक सेकंड चौक, तू अपना डुप्लीकेट बना सकता है? तो भाई वो बंदा आपको मारने वाला था, लेकिन उसने चीटिंग कर दी भाई मेरे साथ. अरे एक बंदे पे इसने भरोसा किया था, उसने भी इसको धोखा दे दिया. मतलब तू क्लोन अटैक यूज कर रहा है? ओ भाई ये तो क्लोन रॉसिंगॉन है भाई, लेट्स गो. भाई तू बंदा बहुत पावरफुल होते जा रहा है धीरे धीरे, लगता है यार इसके लिए हम लोग को भी अपना रेंज्ड वेपन अनलॉक करना पड़ेगा. और रेंज्ड वेपन कितने का है अपना? 1500 कैश. भाई मैं यहाँ पे यार अपना कैश काउंटर पहले सेटअप करूंगा गाइस, ड्रॉपर ज्यादा जरूरी है. फायरबॉल तो अपन लोग खरीदते रहेंगे, और वैसे भी इसका बंदा तो गाइस हम लोग को टच कर नहीं सकता, इतना नूब आदमी है, बगल से निकल जाता है. तो भाई जितना बचाओ उड़ाना उड़ा लो भाई, लेकिन भाई जीतूंगा. अबे तेरी तो 12, ये ले 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 ले, देखो कैसे भाग रहा है या गया भाई? तू गया, ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं है तू. तो भाई बस पहुंच जाऊंगा अंदर. अरे मार दिया भाई आपने, आप तो बहुत पावरफुल आदमी निकले फॉक्स भाई. बोला था दोस्त अपने से पंगा नहीं लेने का, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो बात. चलो कोई बात नहीं. ऑलराइट गाइस, बहुत ज्यादा वेट करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग 140 रोबक्स में अनलिमिटेड कैश खरीदने वाले हैं. सो लेट्स गो, यहां पर भाई अनलिमिटेड कैश खरीद लिया जाए. एंड 100 बिलियन, ओ माय गॉड, इतना पैसा
मिल गया भाई। सही है भाई, आप चलो फटाफट से सारी चीजें अनलॉक करते हैं। तो भाई यार आपके चारों ओर क्या लिपटा हुआ है भाई? अरे ये आपको बताएगा गाइस, लंबी स्टोरी है ठीक है। हम लोगों ने भाई यहाँ पे सारे ड्रॉपर लगा दिए, लेकिन अब आप सोच रहे हो फ्रॉस्टी भाई तो अब जाके क्यों रोबक्स खर्चा किया भाई? देखो यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है, 40 मिनट से खेल रहे भाई, लेकिन जो ऊपर में चीज है वो ज्यादा इरिटेटिंग है भाई। यहाँ पे 22,000 की एक चीज मिल रही है, और तो और ये देखो भाई वेपन खरीदने में देखो 70,000, 150K, 200K, अबे भाई $10,000 यहाँ पे यार जमा करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो भाई कैसे अपन लोग करते हैं यार, तुम ही बताओ, 3-4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा वेट करने से अच्छा सारी पावर अनलॉक करते हैं, एक साथ चॉप के ऊपर भाई सब कुछ अनलॉक लेवल अनलोड कर देंगे। आज आ चॉप के बच्चे कहा चुप के बैठा, अभी तेरे को बताता हूँ मैं। तो भाई आ गए मेरे को यार चुनौती देने, रुको मैं अपना सूट पहन रहा हूँ भाई। ओहो ये देखो गॉड एरो नाम का एक अटैक है गाइस, इसको जब अपन लोग अनलीज करते हैं तो बंदे के ऊपर सुपर चार्ज इलेक्ट्रिक बोल्ट अनलीज होता है, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर धनुष के अंदर से निकला हुआ तीर जो अपने दुश्मन को ना सिर्फ जा करके खेद कर देता है उसके अंदर भाई, उसका पूरा एग्जिस्टेंस मिटा के राख कर देता है। तो भाई आ गया भाई, बोलो कहाँ पे आना है भाई? अबे बाहर आना, अंदर क्या छुपके बैठा हुआ है यार, एक नंबर का डरफोक आदमी है ये गाइस। तो भाई अरे एक सेकंड रुको भाई, मेरा पावर अंदर काम नहीं करता है भाई। अरे ये क्या है, ये एक और सुपर अटैक है, टाइटन अटैक। इसमें गाइस हमारे चारों ओर एक सुपर पावर जिसका नाम है सुसानो, वो यहाँ पर आ जाती है और अपन लोग को यहाँ पे जायंट फॉर्म मिलता है। इसको अल्टीमेट डिफेंस भी कहा जाता है, जिन लोगों ने नारुतो देखी होगी उनको पता है ये पावर थोड़ा सा उससे सिमिलर है, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी कूल। तो आ जाओ चॉप, तुम पे टेस्ट किया जाए अपनी सुपर पावर। तो भाई बोलो मत, मेरे पास भी यार यहाँ पे चारो कोल जुत्सु वाला रसेंगान बराज है भाई। ओहो तुम्हारा रसेंगान बराज कुछ नहीं कर पाएगा दोस्त, इसने अपने देखा गाइस अपने 5 बंदे बनाए इसने और हम पे अटैक किया। ओ ये क्या था? तो भाई ये मेरा राशन चुरकन था भाई। आप तुम्हें दिखाता हूँ मैं अपनी पावर, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं सोल एक्सचेंज। तो भाई आपने यार जगह बदल दी भाई, मेरे चिटिंग करता हूँ तो भाई यार मार दिया यार गॉड एरो मेरे ऊपर। देखा गाइस देखा, ये होती है पावर उचिहा क्लैन के लोगों की। अरे 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 ये देखो लाइटनिंग ड्रैगन अटैक, देखा सोल एक्सचेंज बहुत मस्त है। ऊपर से गाइस ये जो हाफ टाइटन अटैक है ये भी बहुत तगड़ा है, इसमें हम लोगों के चारों ओर एक हाथ आ जाती है और अपने पास वेल ऑफ कोर्स वो स्वॉर्ड तो है ही। और ये देखो चित्रे चित्रे कर दिया ना इसके भाई, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है, मेरे को जूम आउट करके देखना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि ये नूबड़ा जो है हम लोगों से कीप अप नहीं कर पाता है। तो भाई देखो सबके पास रोबक्स नहीं होता है भाई खर्चा करने के लिए, आपके जैसा प्रो आदमी नहीं हूं मैं। अरे मैं भूल गया था यार तेरे घर के बाहर ले जाए, मैं सोचा अंदर मारूंगा तेरे को, लेकिन डोंट वरी गाइस, अपन लोग के पास जो पावर है ना सोल चेंज वाली, उससे क्या होता है ना कि अपन लोग किसी भी बंदा जो रेडियस के अंदर है उससे अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर वो पेड़ के ऊपर चढ़ा है और हम समुद्र के ऊपर है तो अपन लोग एक चुटकी बजाएंगे और वो समुद्र के ऊपर आ जाएगा, अपन लोग जो है पेड़ के ऊपर चले जाएंगे, समझ रहे हो? तो यानी कि अगर ये अपने घर के छत के ऊपर भी खड़ा है और मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो हम लोगों का लोकेशन चेंज हो जाए, तो मैं इसके घर की छत पे चला जाऊंगा और ये भाई नीचे आ जाएगा। तो भाई ये तो चीटिंग है भाई, लेजर लगाने का फायदा क्या हुआ फोर्ट भाई? तो इसीलिए तो बोलता हूं दोस्त, रोबक्स खर्चा करने का फायदा हुआ। ये जो पावर है गाइस जैसे मेरे पास, ये चॉप के पास नहीं है वैसे। तो भाई जब आप इतनी पावरफुल चीजें लेकर आ रहे हो मेरे से लड़ने तो मेरा भी तो यार ड्यूटी बनता है आपको उतनी पावरफुल चीजें दिखाने का। तो आ जाओ भाई, अपन लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं न्यूक्लियर टाइटन बॉम्ब फोर्ट भाई। हां अभी बताता हूं तेरे को, तू ले ले जो लेना है तेरे को, ये देख तेरे छत के ऊपर खड़ा होकर मार सकता हूं मैं। वो बच कैसे गया ये? अरे बच कैसे गया, अभी सोल चेंज यूज करते हैं। तो भाई मेरा सारा पावर चुरा लोगे भाई आप, इसीलिए तो बोला दोस्त ये चीटिंग नहीं है दोस्त, इसको कहते हैं हमारी पावर। ये देखो यही तुम्हारा पावर है ना एनर्जी शुरिकेन। ओ भाई ये मस्त अटैक यार, बहुत तेजी से जाता है ये। अरे ये क्या कर रहा है भाई, ये तो बहुत बड़ा पावर बॉम्ब फेंक रहा था हमारे तरफ, जल्दी से इसका अटैक यूज करते हैं भाई क्लोन बराज वाला। अरे चार फ्रॉस्टी भाई ने मिलकर मारा फिर भी कुछ नहीं कर पाए। ये लो भाई तुम अपना अटैक खुद ही खाओ दोस्त। अरे बच गया भाई, ये कैसे बच गया? तुम्हारे मेरे को पता था कब अटैक करोगे। अरे लेकिन इससे नहीं बच पाओगे दोस्त। अरे इससे बच गया भाई, मेरे गॉड एरो से बच गया ये बंदा, जिस चीज के नाम पे गॉड है उससे बच गया, लेकिन हमारे लाइटनिंग ड्रैगन ने इसकी बैंड बजा दी। ये लो फायरबॉल जुत्सु भी खा लो तुम भाई, कुछ नहीं है भाई, तुम नहीं बच पाओगे हमारे अगेंस्ट, बोल रहा हूँ मैं। अपन लोग सुप्रीमली पावरफुल बीइंग बन चुके हैं गाइस। और तो भाई क्या आप इनडायरेक्टली अपने आप को भगवान बोल रहे हो भाई? अरे भगवान नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ भाई इस गेम में सबसे पावरफुल बंदे हो चुके अपन लोग। और तो भाई इतना पावर का क्या करोगे, मेरे को दे दो भाई। अरे दोस्त तुम क्या करोगे, अंदर घर के जाके तुम इधर आओ पहले, तुम्हें पकड़ते। अरे अरे घर के अंदर घुस गया, उसके ऊपर सोल एक्सचेंज यूज कर रहे हो, बहुत मजा आता है यार, किसी बंदे को यार पता भी नहीं चलेगा, आप उसके साथ अपनी जगह की अदली बदली कर लोगे। आ जाओ चॉप, ये देखो भाई इसके ऊपर तुम्हें जो अटैक करना है वो अटैक करो, सब मंजूर है भाई। ये देखो गाइस, मतलब ये ऐसे निहत्ता क्यों आ गया तू? तो भाई देखो आपको निहत्ता मारने में भी इतना टाइम लग गया भाई, यही पावर है आप। ओ तो हमारी बेइज्जती करना चाह रहा है ये लड़का। वेल तुम जो भी कोशिश कर रहे हो बहुत खराब कोशिश थी तुम्हारी दोस्त, क्योंकि तुम मारे गए, समझ रहे हो? ऑलराइट गाइस बहुत हो गया इसकी नौटंकी, अब टाइम है इसका एक्सचेंज करने का। ऑलराइट अब इसका सूट पहन
लेते हैं अपन लोग। ओ इतनी पावरफुल मशीन है, नाइस नाइस, सूट तो बहुत अच्छा बनाया है। ये देखो हमारे चारों ओर आगे आग फैल चुकी है, काफी कूल लग रहे अपन लोग। एक काम करते हैं, इतनी सारी पूछ का कुछ इस्तेमाल करते हैं। चॉप को आने दो, आ जा भाई आ जा ऊपर आ जा, तेरा ही घर है शर्मा मत। फौस्ट भाई मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन ये सीढ़ियां मेरे को ऊपर चढ़ने नहीं दे रही है फौस्ट भाई। अरे लगता है ये सीढ़ियां बोल रही ऊपर मत जाओ, तुम्हारा मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लो न्यूक्लियर टाइटन बॉम्ब अटैक। ओ भाई इसका एक्सप्लोजन पावर बहुत ज्यादा है भाई, ऑल्दो ये बच गया। अरे अरे मेरे ऊपर यूज कर रही है, जल्दी 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 जल्दी। ओ शिट हेल्थ मेरी बहुत कम बची है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। अब टाइम है यहाँ पे क्या यूज करूँ, गॉड एरो यूज कर दे क्या अपन लोग भाई, अगर वो यूज कर दिया तो चांसेस आर मैं इसकी बैंड बजा सकता हूँ जल्दी। ओ क्या डॉज किया। ओ भाई अब ये जो भाई लड़ाई हो रही ना हम लोगों के बीच में, ये भाई दूसरे लेवल पे जा चुकी है। जल्दी सोल एक्सचेंज अटैक। ओहो पूरा मिस कर गया। कैसा लगा चॉप फ्रॉस्ट भाई, आप चीटिंग कर तो आप, आपने यार लाइटनिंग ड्रैगन से खत्म कर दिया मेरे को फ्रॉस्ट भाई। देखा गाइस रोबक्स खर्चा करने कुछ तो फायदा मैं भी उठा लूं है ना। ऑलराइट सो गाइस आई थिंक बहुत मजा ले लिया भाई चॉप का हम लोगों ने इस वीडियो में, आपको भी आई थिंक एक्शन देख के मजा आया होगा। इसमें बहुत सारी और सुपर पावर जो हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए, इफ यू वांट मी टू चेक दोस आउट फटाफट से लाइक करो इसके पार्ट 2 के लिए, एंड हम लोग ट्राई करेंगे कुछ और एकदम एक्सोटिक सुपर पावर्स, एंड ट्रस्ट मी उनकी लड़ाइयां देख के आपको बहुत मजा आएगा गाइस। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे Frosty.